Chappelle Cut. वेलकम टू द रेनबोज ऑनलाइन क्लासेस। आज का सेशन है हमारा क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी और पार्ट चार अद्भुत प्रकाश। शब्द अर्थ है महिरी। महिरी मतलब घरेलू। फलस्वरूप मतलब परिणाम के रूप में। हर्ष ध्वनि मतलब खुशी का स्वर। अनुमति का स्वीकृति। सॉरी, अभ्यास है हमारा पहला। सही उत्तर पर सही लगाओ क। माँ को जाना था। कहाँ जाना था माँ को? बाजार या महिरी के घर? किसके घर जाना था? महिरी के घर। तो इस पर सही का निशान लगाओ। ख हमारा महिरी के बेटे की मृत्यु। कैसे हुई थी उसके बेटे की मृत्यु? गलत दवाई पिलाने से हुई थी या दुर्घटना से हुई थी? कैसे हुई थी? गलत दवाई पिलाने से। तो इस पर सही का निशान लगाओ। ग है हमारा महिरी का बेटा था बदसूरत सुंदर तथा सलोना। कैसा था? सुंदर तथा सलोना। इस पर सही का निशान लगाओ। घर हमारा दीपा ने गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए तय किया। क्या तय किया था? प्रतिदिन या छुट्टी के दिन? क्या तय किया था? छुट्टी के दिन। तो इसमें सही का निशान लगाओ। दूसरा है हमारा रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरो। यहाँ पे आपको जो रिक्त स्थान दिख रहे हैं, यहाँ पे आप यहाँ जो शब्द आपको छाट के सही वाला यहाँ पे लिखना है। क है हमारा दीपा का प्रस्ताव सुनकर सभी ने चिंता की या हर्ष ध्वनि की। क्या की थी? हर्ष ध्वनि। ये आपको यहाँ लिखना है हर्ष ध्वनि। ख है निःशुल्क कक्षा खालिस्तान में चलाई गई। कहाँ? पार्क में या धर्मशाला में? कहाँ चलाई गई? धर्मशाला में। गए हमारा मजदूरों आदि को बच्चों ने खालिस्तान का महत्व बताया। शिक्षा का या धन का? शिक्षा का। गए हमारा बच्चों को पढ़ाने में बड़ा खालिस्तान आ रहा था आनंद या पसीना। क्या आ रहा था? आनंद। तो ये आनंद लिख लेंगे हम। अब तीसरा है हमारा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमारा महिरी ने अपने बेटे को गलत दवा क्यों दे दी? उत्तर है ये हमारा चूंकि महिरी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने गलती से अपने पति की दवा पुत्र को पिला दी, फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। महिरी पढ़ी लिखी नहीं थी तो उसने क्या किया था? उसके पति की जो दवाई थी उसके पुत्र को पिला दी थी, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई थी। खैर हमारा दीपा ने बच्चों के सामने क्या प्रस्ताव रखा? क्या प्रस्ताव रखा था? खैर हमारा दीपा ने बच्चों के सामने क्या प्रस्ताव रखा था? उत्तर है हमारा दीपा ने अपने साथियों मतलब बच्चों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि क्यों ना सब बच्चे मिलकर छुट्टी वाले दिन गरीब बच्चों स्त्रियों व पुरुषों को कुछ घंटे पढ़ाएं। गए हमारा पढ़ाई के लिए आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कैसे की गई थी? उत्तर है हमारा सब बच्चे अपने अपने घर से खाली पड़ी कॉपियां पेंसिल पेन और जो भी पुरानी पुस्तकें थी उन्हें वहां लाकर जमा करने लगे। हर घर में प्रारंभिक कक्षाओं की पुस्तकें थी जो कि छोटे भाई बहनों ने पढ़कर यूं ही रख दी थी। उन सबको जमा किया गया। क्या क्या था? सभी ने अपने खाली कॉपियां बची हुई थी वो कॉपियां पेंसिल पेन और पुरानी जो किताबें थी पुस्तकें थी उनको एक जगह ला कर जमा किया। और सभी के घर में छोटे बच्चों की किताबें मिली थी जो उनके छोटे भाई बहनों की थी जो उन्होंने पढ़ के रख दी थी तो उसको भी ला कर जमा किया गया था। घर हमारा बच्चों के काम का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर हमारा बच्चों के काम से लोग दौड़े दौड़े आए और लगन से पढ़ने लगे। भाषा की बात है अगली हमारी। पहला इसका पाठ में आए इन वाक्यांशों का प्रयोग अपने वाक्यों में करो। यहाँ पे आपको जो शब्द दिए हैं इसका प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं। जैसा पहला क है हमारा चल बसना। चल बसना का बनाया हमने बीमारी के कारण नेहा की माताजी चल बसी। एक मिनट हर्ष ध्वनि चलो। खैर हमारा हर्ष ध्वनि करना मतलब खुशी के स्वर करना। दुश्मन का टैंक गिराने पर सभी ने हर्ष ध्वनि की। ग हमारा नाम जुबान पर होना। सुभाष चंद्र बोस का नाम बच्चों बच्चों की जुबान पर है। घ हमारा ठंडी सांस भरना। गृह कार्य पूरा करते ही रिद्धम ठंडी सांस भरने लगा।
दूसरा है हमारा शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों से जोड़ो। यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उनको उनके समानार्थी शब्दों से आपको मिलाना, मतलब उनके ही दूसरे नाम है तो उनसे आपको उनको मिलाना है। जैसे क पहला है हमारा बेटा, बेटा का समानार्थी क्या है? निधन, औरत, बगीचा, तय या पुत्र। बेटा का पुत्र, तो मैं यहाँ पे मैच नहीं कर रही हूँ, जो सही है उसके आगे के जो संख्या है वो यहाँ लिख लूंगी। संख्या तो नहीं लिखी, यहाँ पे जो शब्द लिखे वो लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। जैसे बेटे के आगे क लिखा था तो पुत्र के पीछे मैंने क लिख दिया, मतलब ये इसके सामने आएगा। आपको फेयर कॉपी में आंसर को सामने लिखना है। ख है हमारा निश्चित, निश्चित का क्या आएगा? निधन, औरत, बगीचा, तय, क्या आएगा? तय, तो निश्चित का तय। मृत्यु, मृत्यु को क्या आएगा? निधन। हर्ष, हर्ष का क्या आएगा? खुशी। पार्क, पार्क क्या का क्या आएगा? बगीचा। और लास्ट हमारा स्त्री, स्त्री का क्या आएगा? औरत। तीसरा है हमारा वाक्य शुद्ध करो। क हो तैयारी गई खोलने विद्यालय की। ये आपको पढ़ के लग रहा है ना कि ये कुछ समझ नहीं आ रहा, ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, इनके वाक्यों को हमें शुद्ध करना है। तो इनको कैसे लिखेंगे हम? विद्यालय खोलने की तैयारी हो गई। ख हमारा थी रही हो प्रसन्नता काम इसमें, तो इसका क्या आएगा? इस काम में प्रसन्नता हो रही थी। ग हमारा गए हो तैयार सभी के लिए करने सहयोग, तो इसका क्या आएगा? सभी सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। घ हमारा था नाम जुबान की पर लोगों का विद्यालय, तो इसका सही क्या है? लोगों की जुबान पर विद्यालय का नाम था। चौथा है हमारा निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखो। यहाँ पे जो आपको शब्द दिए हुए हैं इनके बहुवचन बताना है। यहाँ पे एक वचन लिखा है, मतलब एक है, और एक से ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा? वो बहुवचन। जैसे क वाला है हमारा बेटा, अगर एक है तो बेटा, और एक से ज्यादा हुआ तो वो बेटे। ख हमारा घंटा, और अकेला है तो घंटा, और एक से ज्यादा हुए तो घंटे। फिर गलती, गलती का एक गलती होती तो गलती, और एक से ज्यादा गलती होती तो गलतियां। घटना, एक घटना होती तो घटना, और एक से ज्यादा घटनाएं होती है तो घटनाएं। कक्षा, एक क्लास होती तो कक्षा, और एक से ज्यादा होती तो कक्षाएं। पुस्तक, अगर एक किताब होती है तो पुस्तक, और एक से ज्यादा होती तो पुस्तकें। कुछ करने के लिए दिया है यहाँ पे आपको, देखो क्या लिखा है। शिक्षा का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखो, मतलब एक निबंध जैसा आपको शिक्षा का महत्व बताना है, तो ये आपको खुद लिखना है। यहीं पे आपका पाठ खत्म होता है, ये आपको आपके फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है, और जब आपको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तब इसे चेक करवाना है। थैंक यू।